हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फाई। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बूलियन एलजेब्रा को। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको वन या टू क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। यहाँ पर बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है वो आपसे रूल्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या है? ऐसा अलजेब्रा जो डील करता है हमारे बाइनरी नंबर्स के साथ, और एज यू ऑल नो दैट बाइनरी नंबर्स आर जो आपके जीरो और वंस के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और जो आपका कॉन्सेप्ट था बूलियन अलजेब्रा का वो किसने दिया था? आपका जॉर्ज बूले। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। और जो आपका बूलियन अलजेब्रा ये आपका हेल्प करता है, जो आपके बूलियन एक्सप्रेशंस रहते हैं उनको ये सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हम इसमें जनरल लॉज पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉ पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड और इन्वर्जन। और इसमें हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ और एक है डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास लॉ आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? इसका सिंपली मीनिंग है आपका कि जब भी आप किसी चीज़ का सीक्वेंस चेंज करोगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो दो लॉज है हमारे पास, एक है ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। अगर हम ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख ले तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पर सीक्वेंस चेंज किया, ए डॉट बी को इक्वल किया बी डॉट ए, तो यहाँ पर सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुआ। तो क्या इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ा? देखो एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने लिया 3.2 इक्वल्स टू 2.3, तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? इसका भी आपका आउटपुट 6 आ रहा है, इसका भी आपका आउटपुट 6 आ रहा है, तो सीक्वेंस चेंज करने पे भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड बोलता है ए प्लस बी को अगर हम बी प्लस ए लिख ले तो भी हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम लिखे 3+2 इक्वल्स टू 2+3, तो इसकी आउटपुट भी 5 आएगी, इसकी भी आउटपुट 5 आ रही, तो सीक्वेंस चेंज करने पर भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ कि अगर आप सीक्वेंस चेंज करोगे तो भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये दो लॉ हमने पढ़े कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम इसका लॉजिक डायग्राम यहाँ पर बनाएं, आप सभी ने लॉजिक गेट्स पढ़ लिए, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, इसका अगर हम लॉजिक गेट बनाएं तो आपको पता है डॉट ऑपरेटर कहाँ पर लगता है आपका, एंड गेट में। तो यहाँ पर है ए बी, इसकी आउटपुट कितनी आएगी, ए डॉट बी। सिमिलरली बी डॉट ए का अगर हम लॉजिक गेट बनाएं कैसा बनेगा, बी ए, आउटपुट क्या आ जाएगी, बी डॉट ए। एक और तरीके से इसको चेक करते हैं हम, ए डॉट, अब इसका अगर ट्रुथ टेबल हम बनाएं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 0-0, 0-1, 1-0 और 1-1। तो फर्स्ट है ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो क्या रिजल्ट आएगा, 0-0 कितना होता है, 0-0, 0-1, 0, 1.0, 0, 1 into 1, 1। और वहीं हम चेक करें राइट हैंड साइड बी डॉट ए क्या आ जाएगा, 0-0, 1.0, 0 और 1 into 1, 1। तो क्या हमारी आउटपुट पर कोई इफेक्ट पड़ा, दोनों की टेबल सेम है, देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सीक्वेंस चेंज करें तो हमारे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये है हमारे कम्यूटेटिव लॉ। आई होप आपको कम्यूटेटिव लॉ क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी दो लॉज है, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए डॉट बी ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज डॉट सी, तो इस चीज़ को अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, और ए डॉट बी डॉट सी, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखेंगे तो क्या इसकी आउटपुट पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको खुद से चेक करनी है। आप तीन यहाँ पर वेरिएबल्स लेंगे ए बी सी, और तीन वेरिएबल्स में कितने आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आपके, 8, ठीक है। और फिर आपको एक टेबल में ये चेक करना है और एक टेबल में चेक कि आपका एल एच एस आर एच एस के इक्वल है या नहीं, ये आपको खुद से चेक करना है। और सेकेंडली आपको
इसी तरह से ही सेकंड जो एक्सप्रेशन है ये भी चेक करना है। तो अगर इसका LHS इक्वल आता है RHS तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है दो यहाँ पर ये आपके ट्रू है। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर ए डॉट बी प्लस सी अगर हम लिखें तो क्या ये इक्वल होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये चीज़ भी आपको खुद से चेक करनी है, ट्रुथ टेबल से ये चेक हो जाएगी। तो इसमें आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको जो लॉजिक गेट्स और जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस किस तरह से सॉल्व करते हैं उसकी भी नॉलेज हो जाएगी। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको खुद से चेक करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स। इसमें बेसिकली दो थ्योरम्स पढ़ते हैं, एक डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ और एक डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो क्या आता है रिजल्ट में, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक्सप्रेशन आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो ईजी है, पर जब आप क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से प्रीवियस ईयर आते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई करना पड़ता है हमारे को, खुद से पता लगाना पड़ता है कौन सा हम यहाँ पर लॉ लगाएं, तब आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी का जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए बार प्लस बी बार के, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। अब हमने क्या किया, अब हमारे को प्रूफ करना है LHS RHS के इक्वल, ठीक है। LHS क्या था हमारा, ए डॉट बी का होल बार किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए बार प्लस बी बार के। तो ए और बी का हमने टेबल लिया, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है दो वेरिएबल में, चार, कौन कौन सी, एक 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, ठीक है। हमने इंडिविजुअली ए बार कैलकुलेट किया और बी बार, और हमारे को क्या निकालना था, ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पर देखो हमने कैलकुलेट कर दिया ए डॉट बी का बार। मैं एज्यूम कर रहा हूँ अब आपको ये वाली चीज़ जो है वो सॉल्व करनी आ चुकी है। हमने ए डॉट बी बार को यहाँ पर निकाला, उसके बाद हमने इंडिविजुअली ए बार हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया था, बी बार भी कर दिया था, इनको ऐड कर दो तो हमारे पास ये रिजल्ट भी आ गया। तो अब आप चेक करो, देखो जो LHS का यहाँ पर ट्रूथ टेबल आया क्या वो इक्वल है आपका राइट हैंड साइड के ट्रूथ टेबल से। तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज़ सेम है, तो आपका फर्स्ट लॉ यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, जो कि था आपका ए डॉट बी का बार किसके इक्वल हो जाता है, ए बार प्लस बी बार के, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अब सेकेंड लॉ, डी मॉर्गन सेकेंड लॉ। वो क्या कहता है, अगर हम ए प्लस बी का कंप्लीट बार करें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ए बार डॉट बी बार के। क्या ये एक्चुअल में इक्वल है, तो हम वही चीज़ करेंगे, LHS को RHS प्रूफ करेंगे। दो वेरिएबल्स है तो आपको ए और बी का ट्रूथ टेबल यहाँ पर बना दिया, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। फिर वही करेंगे हम, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू पहले करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट करके हमारे पास ये वाला ट्रूथ टेबल यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। फिर हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, ए बार डॉट बी बार। तो ए बार आप यहाँ पर निकाल चुके हो, बी बार भी निकाल चुके हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखो क्या ये चीज़ इक्वल आ रही है, तो यहाँ देखो ट्रूथ टेबल्स हैं ये आपके सेम हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी का होल बार है वो इक्वल है ए बार डॉट बी बार के। तो हमारा डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ भी यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। और ये एक्सप्रेशन आपके यूज़ होते हैं जब आपको सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ढंग से पढ़िएगा और आपको लॉस यहाँ पर याद करने हैं कि किस लॉ में आपका क्या कंडीशन चलती है। अब हमारे दो लॉज आते हैं, एक है एंड लॉ और एक है और लॉ। ये वाले जो लॉज है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछते हैं कि ए डॉट जीरो आपके किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। एंड लॉ में देखो ए डॉट जीरो किसके इक्वल है, जीरो। इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, डॉट लगता है आपका एंड गेट में, यहाँ पर क्या पूछा है ए और ज़ीरो। अगर आप ए को, सॉरी यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए फर्स्ट में सॉल्व कर रहा हूँ और बी की वैल्यू है यहाँ पर ज़ीरो। अगर आप प्रोडक्ट करेंगे किसी का भी और उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आउटपुट कितनी आएगी, ज़ीरो। तो फर्स्ट रूल हमने देख लिया ए डॉट। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू है ए और बी की वैल्यू है यहाँ पर फर्स्ट, तो ए डॉट वन कितना आ जाएगा आपका ए, ठीक है।
इसी तरह से आपको ये रूल याद करने हैं, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये रूल्स आपको याद करने हैं तो आपका एक नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। जहाँ पर आप नोट्स लिखते हो वहाँ पर आप इन टॉपिक्स को ऐड कर लीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देता हूँ। क्वेश्चन है ए प्लस ए बार बी, इसको आपको प्रूव करना है ए प्लस बी के। अब आपका थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में यूज़ होते हैं कॉन्सेप्ट। आपको प्रूफ करना है ए प्लस ए बार डॉट बी को ए प्लस बी के। किस तरह से अब हम प्रूफ करेंगे, देखो एलएचएस को हम ले रहे हैं, ए प्लस ए बार बी, ठीक है। अब हम ए प्लस ए बार इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। कौन सा लॉ था, पढ़ाया भी था आपको मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर देखो ए प्लस ए बार को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूल नंबर फोर देखो और लॉ का, ए प्लस ए बार किसके इक्वल होता है, वन के। तो वन डॉट ए प्लस बी, तो आपका जो एल एच एस है वो आपके आर एच एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, कैसे हमने इसको एक्सप्लोर किया, ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से हुआ और ए ही मल्टीप्लाई हुआ आपका बी के साथ, ठीक है। इस तरह से जो आपके कॉन्सेप्ट है बूलियन अलजेब्रा के वो लगते हैं और आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, लेट ए एंड बी बी टू बूलियन वेरिएबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वैलिड बूलियन अलजेब्रा। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमने अभी पढ़ा, ए प्लस ए बार किसके इक्वल है, वन के, जो आपका और लॉ था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब आपको रूल्स याद होंगे तो आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द एंड गेट। इन्वर्टर मीन्स जो आपने नॉट गेट पढ़ा था उसको ही हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम जब एंड गेट की इनपुट में भी इन्वर्टर करेंगे ऐड और आउटपुट में भी इन्वर्टर ऐड करेंगे तो हमारी आउटपुट में जो गेट आएगा वो कौन सा होगा। देखो एक इनपुट सपोज करो ए और बी इनपुट है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इनपुट में आपको इन्वर्टर ऐड करना है, मतलब आपने नॉट गेट यहाँ पर ऐड करना है ए और बी में। तो आपने जब इसमें नॉट गेट ऐड किया तो आपकी यहाँ पर अब जो इनपुट जाएगी वो क्या जाएगी आपकी, ए बार, और यहाँ पर कितनी जाएगी, बी बार। और आउटपुट में भी आपको ऐड करना है तो आपकी यहाँ पर होनी थी आउटपुट ए बार डॉट बी बार, पर अब यहाँ पर भी आपका नॉट गेट है तो इस पर एक और कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो ये बन गया आपका ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब देखो ये चीज़ हमने कब पढ़ी है, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रहा है आपका, तो डी मॉर्गन्स लॉ इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए बार डॉट बी बार किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका एक और बार लगा था, मतलब ये है इस तरह से, तो आपका बार से बार कैंसिल, तो आपका ये चीज़ किसके इक्वल हो रही है, ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी किसका गेट का आउटपुट होता है आपका, और गेट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट आपका 151, इसमें भी आपको देखो एंड गेट दिया है और यहाँ पर नॉट गेट आपका लगा है, एंड के साथ नॉट। तो यहाँ पर आपकी इनपुट जाएगी आपकी ए बार, यहाँ पर जाएगी आपकी बी बार। अब जो ये वाला यहाँ पर एंड गेट है इसके लिए इनपुट है ए बार और बी बार, और यहाँ पर फिर से नॉट गेट है तो ये हो गया आपका ए बार डॉट बी बार का होल बार। दोबारा से डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है, तो ए बार डॉट ए बार डॉट बी बार किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल बार। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार
और यहाँ पर देखो एक और बार है, तो ये एक और बार लग जाएगा और बार से बार कैंसिल, आपका आ गया ए प्लस बी। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली सेम ही सेम है, पर इसमें आपको डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे। अगर आपको लॉज क्लियर है तो आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक से बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।